हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए कोल्सलो जैम सैंडविच की रेसिपी लेके आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनकर तैयार होगा। तो मैं नवीन खुराना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ खुराना किचन में। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून मेयोनीज लिया। दोस्तों यकीन मानिए, ये सैंडविच बच्चों का तो फेवरेट रहेगा ही और साथ में वेट लूज में भी मददगार है। अब इसके बाद मैंने 1 कप कैबेज लिया जिसे मैंने चॉप कर लिया था, और साथ ही में 1/4 कप कैरेट, और साथ ही में 1/4 टेबल स्पून ब्लैक पेपर लेंगे। अब इसके बाद हम सॉल्ट लेंगे 1/4 चम्मच और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक कोल्सलो बना लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से, क्या मेरे सैंडविच की फीलिंग्स आएगी दोस्तों। तो हम यहाँ पर कुछ रेगुलर ब्रेड्स लेंगे, मैंने यहाँ पर 8 रेगुलर ब्रेड लिए हैं। अब इस पर जो हमारी स्टफिंग है हम उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों कोनों में, कुछ इस तरह से। और दूसरी ब्रेड से इसको कवर कर देंगे। मैं आपको दूसरी ब्रेड पर भी स्टफिंग लगा के दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से लगाइएगा। अब इसको कवर कर देंगे। अब मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी जैम लिया है, आप कोई भी जैम ले सकते हैं, मिक्स फ्रूट जैम ले सकते हैं या फिर कोई भी, जो भी आपका फेवरेट हो उसे ब्रेड के स्लाइसिस पर लगा लीजिए। ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी ब्रेड से इसे भी कवर कर दीजिएगा इसी तरह से, दूसरी स्लाइस को भी, उस पर भी जैम लगा लीजिए और दूसरी ब्रेड से कवर कर दीजिए। अब जो जैम वाला हिस्सा है उसे नीचे रखेंगे, उसके ऊपर हमने जो स्टफिंग डाली थी वो रखेंगे, और ऊपर से दोबारा से जैम वाली स्लाइसेस को। इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच भी रेडी कर लेंगे। सबसे पहले जैम वाली स्लाइसेस, उसके बाद हमारे कोल्सलो वाली स्लाइसेस, और फिर दोबारा से जैम वाली स्लाइसेस। तो दोस्तों ये कम से कम 2 से 3 लोगों के लिए इनफ रहेगा ये सैंडविच। आप इस तरह से नाइफ की हेल्प से इसे कट कर लीजिए। ये देखिए मैं कट करके आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए कोल्सलो का फ्लेवर तो आएगा ही, मेयोनीज का फ्लेवर तो आएगा ही, साथ में जैम का भी पूरा फ्लेवर आएगा। तो आप यहाँ पर टूथपिक का यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया। तो आइए सर्व करते हैं, देखिए कितने लजीज और डिलीशियस बनकर तैयार हुए हैं ये हमारे कोल्सलो जैम सैंडविच। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको थोड़ी सी भी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रेसिपी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।